पैसे कमाने का दो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, पहला है YouTube और दूसरा है ब्लॉगर। YouTube पे मैं कंप्लीट सीरीज बता चुका हूँ और आज के वीडियो में मैं बताऊँगा किस तरीके से ब्लॉगर पे आप अपना ब्लॉग बना के आप किस तरीके से उससे अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। ये वीडियो मैं काफ़ी डिमांड के बाद बना रहा हूँ। मेरे पास काफ़ी सारा कमेंट आ रहा है कि सर ब्लॉगर पे एक ब्लॉग बना के दिखाइए जिससे हम उससे अच्छी खासी अर्निंग कर सकें। सो गाइस, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ब्लॉगर पे आप अपना ब्लॉग बना के आप किस तरीके से उससे अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। बस आपको करना ये होगा कि आपको 20 से 25 अच्छे अच्छे आर्टिकल को उस पर अपलोड करना है और अपलोड करने के बाद अपने चैनल को मोनेटाइज के लिए सबमिट कर देना। जैसे आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो आप उससे बहुत अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो किस तरीके से ब्लॉगर पे आप अपना ब्लॉग बनाएंगे, उस पर किस तरीके से आप आर्टिकल को पब्लिश करेंगे, ये सब देखने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो ब्लॉगर पे किस तरीके से ब्लॉग बनाया जाता है, उस पर किस तरीके से आर्टिकल को पब्लिश किया जाता है और चैनल जैसे ही आपका मोनेटाइज हो जाता है तो आप उससे अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। बस आपको अच्छा अच्छा जो आर्टिकल है उस पर आपको अपलोड करते रहना है। तो किस तरीके से आप ब्लॉगर पर अपना ब्लॉग बनाएंगे, किस तरीके से आर्टिकल को पब्लिश करेंगे, ये देखने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Shut up and sit down. एक ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए आपको आना होगा ब्लॉगर के वेबसाइट पे। आपको अपने ब्राउज़र में लैपटॉप या मोबाइल में टाइपिंग कीजिएगा blogger.com, तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इसका वेबसाइट मिल जाएगा। मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूँ, जहाँ से जाने के बाद भी आप इस पेज पे आ सकते हो। सिंपली यहाँ ब्लॉगर देख रहे हैं .com, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ये आपके सामने कुछ नया पेज ये ओपन हो के ये आ जाता है। इसके बाद यहाँ पर क्रिएट योर ब्लॉग पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अपना ईमेल आईडी चूज करेंगे जिससे ये ब्लॉग आप क्रिएट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो आपको उसमें से अपना जो भी ईमेल आईडी चूज करना चाहते हैं चूज कर सकते हैं। चलिए मैं अपना यहाँ ईमेल आईडी चूज कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आप टाइटल डालना पड़ेगा, जो भी अपने ब्लॉग का नाम रखना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पर आप टाइपिंग कर देंगे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर डाल देता हूँ इंजीनियर राजा। तो यहाँ पर कोई भी टाइटल अपने ब्लॉग को दे सकते हैं। इसके बाद सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ अपने ब्लॉग का एड्रेस डालना पड़ेगा। आप जो भी चाहते हैं कि मेरे ब्लॉग का एड्रेस रहे वो आपको यहाँ पे डाल देना है। जैसे कि देखिए मैं यहाँ डाला इंजीनियर राजा, तो ये इसने बोल रहा है कि ये अवेलेबल नहीं है, मतलब कि पहले ने किसी ने पहले इस पे ये एड्रेस पे ले लिया है। चलिए मैं थोड़ा दूसरा एक और कुछ डाल के देखता हूँ, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ वन। अब मैं देख के देखता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर भी फिर भी बोल रहा है कि नॉट अवेलेबल है। चलिए मैं दूसरा डाल देता हूँ, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 23। अब देखते हैं कि लेता है कि नहीं, तो ये देखिए यहाँ पर ले चुका है। सिंपली आप यहाँ अब यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर अपना डिस्प्ले नाम डाल देना है कि वो अपने रीडर के लिए कौन सा नेम देना चाहते हैं, वो नाम यहाँ पे आपको डाल देना है। चलिए मैं यहाँ डाल देता हूँ अपने डिस्प्ले में इंजीनियर राजा। तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले नेम में डाल दिया हूँ इंजीनियर राजा। जो भी मेरे इसको रीडिंग करेंगे पर देखेंगे वो सबको ये मेरा जो नाम है वो शो होगा। तो जब भी कोई रीडर मेरे जो आर्टिकल को शो करेगा, रीड करेगा, तो वो मेरा नेम इसी नेम से शो होगा। चलिए मैं यहाँ फिनिश पे ओके करता हूँ। आपका ब्लॉग क्रिएट हो जाएगा जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेफ़्ट साइड में एक मेनू दिया गया है जिस सबसे लास्ट में यहाँ देखिए हैं व्यू ब्लॉग, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपने ब्लॉग पे पहुँच जाएंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने ब्लॉग क्रिएट कर दिया है और इसका एड्रेस है engineerraja.blogspot.com। आप एक ईमेल आईडी से जितने चाहे उतने ब्लॉग बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने एक बना रखा हूँ। यहाँ पे न्यू ब्लॉग मतलब आप यहाँ एक से ज़्यादा भी आप यहाँ पे एक ईमेल आईडी से ब्लॉग बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मेन्यू में पोस्ट पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आप अपना कितने पोस्ट लिखे हुए हैं। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं स्टेट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने व्यू आए हैं और कितने आपका व्यूअर्स है। इसके बाद यहाँ पर है कॉमेंट, यहाँ पर आपके जो
यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके व्यूज पे जो किए हुए हैं उस पे आपके कितने कमेंट आए हैं, और यहीं से आप जो भी कमेंट किया रहेगा आपके जो व्यूज पे उसको आप यहां से कमेंट का जवाब दे सकते हैं। इसके बाद यहां पे अर्निंग के लिए आप यहीं पे गूगल एडसन के लिए आप यहीं से गूगल अकाउंट के अर्निंग के लिए आप यहीं से क्रिएट एडसन अकाउंट अब यहां से आप क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद आपके ब्लॉग पे एड शो होने लगेंगे और जिससे आपको अर्निंग्स होगी। तो आपके अपने ब्लॉग से जितने भी अर्निंग होगी वो आपको गूगल एडसन अकाउंट में आपको मिलेगी। इसके बाद है यहाँ पे पेजेज, अपने ब्लॉग पे यहाँ से पेजेज बना सकते हैं, जैसे कि प्राइवेट पॉलिसी, कॉन्टैक्टस, टर्म एंड कंडीशन, इस तरह के जितने भी है यहाँ से आप पेजेस बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे है लेआउट, लेआउट में अपने पेजेस को डिज़ाइन कर सकते हैं कि आपको लेफ्ट साइड में क्या रखने हैं, राइट साइड में क्या रखने हैं, वो सब आपको यहाँ पे शो हो जाता है। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है आपको हेडर में क्या रखना है, फुटर में क्या रखता है, सब्सक्रिप्शन, पेज लाइट्स, साइडर, सर्च, टॉप बॉक्स, तो इसमें आपको जो भी रखना है इसमें से आप बहुत ही आसानी से रख सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से एक विजिट आप चूज कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे क्या रखना है, वो टोटल आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद है आपको थीम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ से अपने ब्लॉग का एक थीम चूज करते हैं कि आप अपने ब्लॉग को क्या डिज़ाइन देना चाहते हैं। इसके बाद है सेटिंग में जाने के बाद यहाँ से अपना टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ब्लॉग, इस तरीके से आप यहाँ पे अपना सेटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चेंज करेंगे थीम। तो यहाँ पे थीम पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको ढेर सारा भर के थीम दिए गए हैं, तो आप इसमें से कोई भी थीम चूज कर सकते हैं। जैसे कि हमें यह थीम चूज करना है तो आप थीम पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये थीम देखिए यहाँ पे ओपन होके आ गया है। तो यहाँ पे हम यहाँ अप्लाई पे क्लिक करेंगे, ये थीम देखिए नीचे यहाँ बोल रहा है कि अप्लाई, ये थीम अप्लाई हो गया और नीचे लिखा के भी आ गया कि अप्लाई सक्सेसफुल्ली। इसके बाद सिंपली अपने ब्लॉग को रिफ्रेश करेंगे तो आपने जो भी थीम अप्लाई किए हैं वो यहाँ पे शो हो जाएगी। लेकिन ब्लॉगर के जो अपने जो थीम है वो इतने अच्छे नहीं है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लॉगर के थीम को ज़्यादा लोग यहाँ पे यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ से अलग से थीम डाउनलोड करके ब्लॉगर में यूज किया जाता है। तो इसके लिए हम अलग से एक वेबसाइट पर जाएंगे जिसके लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। ये है वो वेबसाइट, यहाँ फ्री ब्लॉगर टेम्पलेट पे ओके करेंगे तो आपके सामने ढेर सारे फ्री ब्लॉगर टेम्पलेट आ जाएंगे। आप इसका यहाँ प्रीव्यू देख सकते हैं, तो जो भी आपको पसंद आता है उसको डाउनलोड करके अपने ब्लॉगर में आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमको ये पसंद है तो हम इस पर क्लिक करेंगे, आप यहां से इसका लाइव प्रीव्यू या यहां से जाके इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो लाइव प्रीव्यू पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। यहां से आप देख सकते हैं कि आपका लाइव प्रीव्यू जो आपका ब्लॉगर है वो आपको कैसा लगेगा। तो इस टेम्पलेट को अप्लाई करने के बाद तो यहां पे आप देख सकते हैं, तो ये टेम्पलेट काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी प्रोफेशनल लग रहा है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और ये टेम्पलेट को हम डाउनलोड कर लेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम जाएंगे इस फोल्डर में जहाँ पे मैंने इसको डाउनलोड किया है।
जैसे कि आप यहीं से भी अपना बैकग्राउंड इमेज दे सकते हैं, तो हमें यहाँ पर कोई बैकग्राउंड इमेज नहीं देना है। तो हमें नहीं देना है तो सिंपली हम यहाँ से वापस आ जाएंगे। तो यहाँ से सबसे पहले हम पेजेस बनाएंगे। तो पेज बनाने के लिए हम यहाँ पेज वाले पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज वाला पूरा डॉलग ये देखिए यहाँ पर ओपन होके आ जाता है। इसके बाद यहाँ पर हमको न्यू पेज पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने ये न्यू पेज, यहाँ पर देखिए कि आपका सामने ये न्यू पेज ओपन होके आ जाता है। सबसे पहले यहाँ पे आपको टाइटल डालना पड़ेगा। मैं डाल देता हूँ कॉन्टैक्ट अस। तो मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस टाइटल में डाल दिया हूँ। तो आप चाहे इसमें जो भी चाहे लिख सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे वीडियो का ऑप्शन है, इसमें वीडियो अपलोड कर सकते हैं, या इमेज का ऑप्शन है, इमेज अपलोड भी इसमें कर सकते हैं। तो आप यहाँ से देख रहे हैं बोल्ड कर सकते हैं, यहाँ पे इटालियन कर सकते हैं, यहाँ अंडरलाइन कर सकते हैं, यहाँ देख रहे हैं स्टिकर थॉट कर सकते हैं, यहाँ टेक्स्ट का कलर कर सकते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि पैराग्राफ को चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे फॉन्ट साइज भी कर सकते हैं, यहाँ पे फॉन्ट टाइप लिख सकते हैं, यहाँ पे रीडो कर सकते हैं, अंडो कर सकते हैं, बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे राइट सकते इंसर्ट इंटरेस्ट इंसर्ट कर सकते हैं, डिस्क्राइब इंसर्ट कर सकते हैं, इंक्रीज इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ढेर सारा ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। तो ये सारे जो एडिटर है आपके सॉफ्टवेयर में दिए गए हैं। इसको सिंपली आपको यहाँ पब्लिश पर क्लिक करना है, इसका कंफर्म करना है, तो ये जो आप आर्टिकल है वो आपको यहाँ पे पब्लिश हो जाएगा। इसका सिंपली यहाँ पेज पे क्लिक करेंगे। पेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका वो सभी शो हो जाएगा। इसके बाद सिंपली यहाँ से आप जाने के बाद इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे एक और न्यू पेज बनाएंगे। तो न्यू पेज बनाने के लिए हमारे न्यू पेज पे ओके करेंगे पोस्ट पे। तो इस तरीके से आपके सामने एक फिर नया पेज ओपन होके आ जाता है। इसके बाद मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अबाउट अस। तो अब यहाँ अपने बारे में जो चाहे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पूरा एडिटर दिया गया है जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। इसके बाद सिंपली यहाँ पब्लिश पे क्लिक करेंगे, यहाँ कन्फर्म करेंगे, तो ये भी आपका जो है पब्लिश हो जाएगा जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप जितने भी पेजेस बना सकते हैं अपने ब्लॉग के लिए। तो पेजेस में आपको टर्म एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, तो आपको अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, तो इस तरीके के पेजेस तो आपको बनाने ही है। तो इसके अलावा आप जितना भी चाहे जो चाहे आप बना सकते हैं। तो अब हम पोस्ट लिखेंगे, इसके लिए यहाँ पोस्ट पे हम क्लिक करेंगे। पोस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ न्यू पोस्ट पे हम क्लिक करेंगे। तो पोस्ट लिखने के लिए आपको यही एडिटर दिया गया है। यहाँ पे अपना टाइटल देंगे, तो आप यहाँ हिंदी इंग्लिश जो भी लैंग्वेज में आपको आती है उस लैंग्वेज में यहाँ पोस्ट आप लिख सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर आपको हिंदी में लिखना है तो गूगल इनपुट टूल की हेल्प से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसमें आप गूगल इनपुट टूल से ईजिली किसी भी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। तो आर्टिकल लिखने का तरीका ये रहेगा, सबसे पहले आप यहाँ पे टाइटल डालेंगे। जो भी आप आर्टिकल लिखना चाहते हैं सबसे पहले वो टाइटल में अपना आर्टिकल वहाँ पे डालेंगे। जैसे कि मैंने एक आर्टिकल लिखा हुआ है जूम चैनल पे, तो वो आर्टिकल यहाँ पे मैं डाल देता हूँ टाइम बचाने के लिए। तो जूम चैनल पर मैं लिखा हुआ है स्टार्टअप आईपीओ देंगे कमाई का मौका, वो आर्टिकल मैं लिखा हुआ हूँ वहाँ पे।
तो मैं वो जो लिखा हुआ हूँ अपने चैनल पे, जूम चैनल पे, वो मैं आपको यहाँ पब्लिश करके दिखा देता हूँ। तो वो आप यहाँ पे पूरा अपना आर्टिकल लिखेंगे। तो जूम चैनल से ये ब्लॉग मैंने कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया है, क्योंकि मेरा यहाँ पे कुछ टाइम बच जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे अपना ब्लॉग लिखना है। अगर आपको इसमें कहीं पिक्चर वगैरह डालना है तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे, या जो भी पिक वगैरह रखना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करके, जो यहाँ पे इमेज वगैरह है इस पर क्लिक करके, यहाँ देख रहे हैं अपलोड कंप्यूटर, इस पर जाएंगे, जहाँ भी फ़ोटो होगा वो फ़ोटो को आपको यहाँ पे ला के सेलेक्ट करके यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। तो यहाँ चूज फाइल पर जाएंगे, जो जहाँ भी फ़ोटो होगा फ़ोटो ला के यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। तो यहाँ पे इमेज को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद ये इमेज आपको यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए आपको इमेज यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। इसके बाद यहाँ सिंपली इसको सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद यहाँ सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे ओके करेंगे। ओके करते ही आपके देखिए यहाँ पे जो है आपका आ चुका है। अब यहाँ पे इसको मिडिल करेंगे, लेफ्ट राइट जो भी करना चाहते हैं इसको यहाँ से आप कर सकते हैं। सिंपली इसको सेलेक्ट करके, सेलेक्ट करके जहाँ भी इसको ले जाना चाहते हैं उसको लेफ्ट राइट मिडिल में आप इसको इसी तरीके से आप इसको रख सकते हैं। चलिए मैं इसको मिडिल में रख लेता हूँ। यहाँ पर देखिए ये मेरा जो पोस्ट है यहाँ पे आ चुका है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10 साल पुराना फूल एंकर सक्सेस में मिला। तो वो यहाँ पे जो है फोटो यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे आप जितना भी फोटो चाहे उसी तरीके से, अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि फोटो लगाए सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपलोड पर जाएंगे। यहाँ अपलोड के फोटो पर अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, या फोटो में फोटो है आपका तो वहाँ से ले सकते हैं, ब्लॉगर से ले सकते हैं, या URL तो URL भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो सिंपली मैंने यहाँ पर अपलोड करके आपको दिखा दिया है। तो यहाँ से आप इसका साइज भी वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर साइज पे क्लिक करिएगा, और यहाँ पर साइज पे क्लिक करके यहाँ देखिए स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, ओरिजिनल, तो जो भी साइज में इसको रखना चाहते हैं आप इसको बहुत ही आसानी से रख सकते हैं। तो चलिए मैं इसको थोड़ा आपको लार्ज करके दिखा देता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ क्लिक करूँगा, यहाँ मैं इसको लार्ज करूँगा, देखिए बड़ा साइज हो चुका है। इसी तरीके से अगर आप किसी को बोल्ड करना चाहते हैं तो सिंपली उसको आप इसी तरीके से सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसको बोल्ड कर लेंगे, देखिए यहाँ पे बोल्ड हो चुका है। तो इसी तरीके से अगर जिसको भी बोल्ड नहीं करना चाहते हैं यहाँ अनबोल्ड भी करेंगे, उस तरीके से भी ये अनबोल्ड हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे आप इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। अब किसी का कलर भी चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली कलर को एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पे कलर बजाएंगे, जो भी कलर रखना चाहते हैं वो कलर यहाँ से रख लेंगे, देखिए कलर चेंज हो चुका है। तो इसी तरीके से आप कलर को यहाँ बहुत ही आसानी से कलर को भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये सब आप यहाँ से कर सकते हैं। साइज अगर आप यहाँ से करना चाहे तो यहाँ पे बहुत सारा साइज है, जो यहाँ से इसका साइज भी कम कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ देख रहे हैं फ़ॉन्ट टाइप को, आप कौन सा फ़ॉन्ट टाइप रखना चाहते हैं, मतलब इसको लिखावट में, तो वो यहाँ से आप जो भी आप रखना लिखना लिखावट चाहते हैं वो इसमें आप सेलेक्ट कीजिएगा, तो उसी तरीके से वो लिखावट वो यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ वीडियो डालने के लिए यहाँ वीडियो पे क्लिक करेंगे, यहाँ अपलोड फ्रॉम टू वीडियो पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से आप यहाँ पे अपना वीडियो भी डाल सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको फोटो डाल के दिखाया है। तो यहाँ पे अगर आप लिंक डालना चाहते हैं जहाँ पे, तो इसको अगर यहाँ पर लिंक डालना चाहते हैं इसको आप इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ऊपर देख रहे हैं कि लिंक वाला ऑप्शन, इसको क्लिक करेंगे, और जो भी लिंक डालना चाहते हैं यहाँ पर आप यहाँ पर ला के यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने का सिंपली यहाँ से आप अप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से अगर आपको बुलेट्स डालनी है तो सिंपली यहाँ से आप अपना बुलेट्स भी डाल सकते हैं। सो इसी तरीके से यहाँ एडिटर में दिए गए ढेर सारा फीचर का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे राइट साइड में दिया गया है प्रीव्यू, यहाँ ढेर सारा ऑप्शन है, उसमें प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे और अब आपको जो भी आर्टिकल है उसका प्रीव्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो पब्लिश करने से पहले नीचे आने के बाद देख रहे हैं कि पोस्ट सेटिंग का ऑप्शन है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि पहला है लेवल, और जिस टॉपिक में आपका आर्टिकल है उस लेवल को आप यहाँ पे टाइपिंग कर सकते हैं। तो ये मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इंटरनेट टेक्नोलॉजी, इसके बाद वेबसाइट, बहुत सारा आप यहाँ पर टाइपिंग कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पे इंटरनेट कॉमा टेक्नोलॉजी कॉमा वेबसाइट, तो इसी तरीके से आप यहाँ पे कॉमा लगा टाइपिंग कर सकते हैं। तो जितने भी टॉपिक के बारे में आपका है वो यहाँ कॉमा लगा के आप उस सबको यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि ये तीनों लेवल यहां पे ऐड हो चुका है। इसके बाद यहां पे पब्लिश पे यहां ऑटोमेटिक पे चूज करेंगे, अगर यहां पब्लिश पर क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिक पब्लिश हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कोई डेट फिक्स करनी है तो यहां सेट डेट पर क्लिक करेंगे, यहां डेट देंगे, यहां टाइमिंग देंगे कि हमको ये डेट और ये टाइमिंग पर ये पब्लिश होना चाहिए, तो वो डेट और वही टाइमिंग पे ये आपका पब्लिश हो जाएगा। तो यहाँ कैलेंडर से जाने के बाद यहाँ अपना कैलेंडर से जो भी डेट और तारीख है वो कैलेंडर में से यहाँ से आप चूज कर लेंगे, उसी डेट और टाइम पे ये पब्लिश अपने आप यहाँ पे टाइम डेट और टाइम पे ये पब्लिश हो जाएगा। अगर ऑटोमेटिक चाहते हैं तो सिंपली ऑटोमेटिक पे क्लिक करेंगे, वे जैसे ही आप पब्लिश करेंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे पब्लिश हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ऑटोमेटिक चूज करूँगा। इसके बाद है यहाँ पे परमा लिंक,
अगर आप यहाँ पे ऑटोमेटिक रखेंगे तो आपका ये परमा लिंक ये रहेगा, ये वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इनफैक्ट ये SEO फ्रेंडली नहीं है। इसके बाद हम यहाँ कस्टम परमा लिंक पे क्लिक करेंगे और जो भी अपना परमा लिंक बनाना चाहते हैं वो यहाँ पे आप टाइपिंग कर देंगे, तो आपका जो आर्टिकल है उसी से रिलेटेड आप यहाँ पे परमा लिंक डालेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ स्टार्टअप IPO देंगे कमाई का मौका, तो मैं यहाँ पे पूरा डाल दिया हूँ। इसके बाद आपका आ जाता है लोकेशन, अगर आपका कोई लोकेशन है तो आप इस लोकेशन में यहाँ से जाके इस लोकेशन को आप चूज करके डाल सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है आपका, यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका ऑप्शन के लिए आप यहाँ पर देख रहे हैं कमेंट को अलाउ कर सकते हैं या इसको आप डोंट अलाउ कर सकते हैं या देख यहाँ पे डू नॉट अलाउ, आप जो भी चाहे यहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि आप चाहते हैं कि इस आर्टिकल पे पब्लिक आके कमेंट करे तो आप अलाउ कर देंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पब्लिक आके अलाउ कमेंट अलाउ नहीं करे तो यहाँ पर डू नॉट अलाउ पे क्लिक करेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि पब्लिक के कमेंट करे तो सिंपली हम अलाउ पे क्लिक करेंगे। तो इसके बाद यहाँ पे हम करेंगे पब्लिश, इसके बाद यहाँ पे हम करेंगे कंफर्म। तो आपका ये आर्टिकल देखिए, यहाँ पर आपका आर्टिकल पब्लिश हो चुका है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पब्लिश हो चुका है, इसके लिए हम जाएँगे ब्लॉग पे, इसके बाद यहाँ से हम जाके इसको रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपने आर्टिकल लिखा है वो आर्टिकल यहाँ पे आपका आ चुका है और आप इस पर क्लिक करके आप इसको यहाँ से रीड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए जो मैं डाला हूँ लिखा हूँ वो यहाँ पे आ चुका है और यहाँ से आप इसको रीड कर सकते हैं। तो इसमें मैंने जो कुछ भी लिखा है वो सब है, जो मैं इमेज डाली है वो भी आ चुका है और जो सब मैं यहाँ पर लिखा हुआ वो टोटल यहाँ पर आ चुका है। और नीचे आपको यहाँ पे शेयर का ऑप्शन भी मिल जाता है, या फेसबुक, ट्विटर, पिन ड्राइव, इंटरेस्ट, व्हाट्सअप, मैसेज, आप जहाँ भी चाहे इसको आप शेयर कर सकते हैं इंटरनेट टेक्नोलॉजी वेबसाइट के द्वारा। इसके साथ ही यहाँ पे आपको आर्टिकल भी मिल जाते हैं जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको ओल्ड और न्यू आर्टिकल भी यहाँ पे आपको मिल जाते हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन टेम्पलेट है जिसको आपको ज़रूर एक बार यूज करना चाहिए। तो इसमें वो सारे प्रोफेशनल जो इंस्टॉलिंग है वो आपको इस ब्लॉग में मिल जाता है और यहाँ से आप इसको देख भी सकते हैं। तो आप ऊपर में यहाँ पे एक डिस्प्ले नेम भी देख सकते हैं, जो मैं आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि आपको डिस्प्ले नेम में क्या रखना है, वो आपको यहाँ पे शो हो जाता है। जब भी कोई आर्टिकल पब्लिश करते हैं तो वो आपका नेम जो है वो हर आर्टिकल में आपको शो होता रहेगा। अब यहाँ पे देखिए कि ये है मेन्यू जो मैंने ऐड नहीं किया है, तो हमें इसको रिमूव करना है। इसी तरीके से राइट साइड में काफ़ी सारे विजिट है जो हमें नहीं चाहिए, तो उन सभी को हम यहाँ से रिमूव करेंगे जो हमें नहीं चाहिए। तो इसको हमें सेट करना है, तो इसके लिए हम जाएंगे यहाँ पर देख रहे हैं लेआउट में, लेआउट पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पे आपको यहाँ ढेर सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेआउट में आपके वेबसाइट का यहाँ पूरा लेआउट मिल जाएगा। तो आपका जो ये ब्लॉग है यहाँ पर देख रहे हैं उसका पूरा लेआउट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आपको वहाँ पे क्या चीज़ रखनी है, यहाँ पे क्या चीज़ रखनी है, नहीं रखनी है, वो आप यहीं से भी उसका डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सोशल जो आइकन है ये हमें रखनी है या नहीं रखनी है, उसका डिसाइड हम यहीं से कर सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर आएंगे, देखेंगे सोशल टॉप, ये पेंसिल आइकन है, इस पर हम क्लिक करेंगे, आपके सामने ये जो ओपन होके यहाँ पर आ जाता है। तो आपको जो भी नहीं रखना है उसको अनचेक करेंगे, इसके बाद यहाँ पर सेव कर देंगे तो वो वहाँ से हाइड हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको वहाँ पर रखना है तो आप यहीं से उसको एडिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं एडिट पे जाएंगे, यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके यहाँ से अपना फेसबुक का जो भी URL है यहाँ से आप डाल सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ अपने पेज का URL डाल सकते हैं, फेसबुक का URL डाल सकते हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पेंटिस्ट, जिसका भी चाहे उसका यहाँ पर URL डाल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ अपने फेसबुक का URL डाल कर सेव करूँगा, ट्विटर का और इंस्टाग्राम को मैं सभी को यहाँ डाल के मैं सेव कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ फेसबुक का लिंक डाल दिया, यहाँ मैं सेव करूँगा, यहाँ पर जो भी मेरे फेसबुक के लिंक पे क्लिक करेगा वो मेरे फेसबुक पेज पे वहाँ पे पहुँच जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे आपको जो जिसका भी रखना है आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और इसको रख सकते हैं, और जिसको भी नहीं रखना है जैसे आपको ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम, पेंटिस्ट, जो भी रखना है नहीं रखना है यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर सकते हैं और रख सकते हैं या इसको डिलीट करके हटा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर चलिए ट्विटर का भी दिखा देता हूँ, ट्विटर पर क्लिक करेंगे, ट्विटर पे क्लिक करके यहाँ पे जो भी ट्विटर का URL है वो डाल के यहाँ पर मैं सेव कर देता हूँ। यहाँ ट्विटर का जो है URL यहाँ पर डाल के यहाँ पेस्ट में कर डाल देता हूँ URL, इसके बाद मैं सिंपली यहाँ पेस्ट करूँगा तो कि मेरा ये ट्विटर का भी ये पेस्ट URL हो चुका है।
तो मैं चलिए मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम के भी यूआरएल डाल देता हूँ, इस पर क्लिक करूँगा, जो भी यूआरएल है इंस्टाग्राम को मैं यहाँ पर डाल के यहाँ से मैं सिंपली इसको सेव कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम का यूआरएल को पेस्ट कर देता हूँ, सिंपली पेस्ट करने को यहाँ पे सेव कर देगा, ये आपका इंस्टाग्राम का भी पेस्ट हो चुका है। चलिए मैं पिनटेस्ट नहीं रखना, सिंपली यहाँ मैं पिनटेस्ट को डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद जितना भी आपने डाला है उसको सिंपली अब यहाँ से इसको सेव कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए कि जो भी आपने चेंजेस किया है वो ऑलरेडी यहाँ पर सेव हो चुका है। इसके बाद सिंपली यहां से जाके इसको रिफ्रेश कीजिएगा, रिफ्रेश करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाता है। अब देखिए यहां पिनटेस्ट यहां से गोल हो चुका है, मतलब उड़ चुका है, डिलीट हो चुका है। अब यहां पे आपको देख रहे हैं फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम है जो मैं इसको लिंक डाला हुआ हूँ। अब जैसे कि यहाँ पर कोई मेरे फेसबुक पर क्लिक करेगा तो ये डायरेक्ट मेरे फेसबुक जो अकाउंट है वो फेसबुक अकाउंट पर ये यहाँ पे पहुँच जाएगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हो डायरेक्ट ये मेरे फेसबुक अकाउंट पे पहुँच जाएगा। इसी तरीके से अगर जो भी मेरे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ट्विटर पे क्लिक करेंगे तो मेरे ट्विटर अकाउंट पर यहाँ पे पहुँच जाएंगे, जो आप देख सकते हो कि मेरे ट्विटर अकाउंट है वो ट्विटर अकाउंट पर ही पहुँच जाएंगे। इसी तरीके से इंस्टाग्राम पर क्लिक करके इंस्टाग्राम वाले अकाउंट पर पहुँच जाएंगे। इस तरीके से यहाँ प्रोफाइल में जाके बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे इसके एडिट कर सकते हैं, कोई भी लिंक डाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे कुछ टॉप एडिट्स जो ऐड हो गए, जैसे होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, तो हमने ये बनाया है उसमें हमको कुछ एडिट करना है। इसके लिए सिंपली यहाँ पे हम जाएंगे, इस बार लेआउट में जाएंगे, इसके यहाँ पे कुछ ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, जिसके लिए हम यहाँ टॉप नेविगेशन को पे आइकन वाले पे क्लिक करेंगे। अगर आपको ये शो नहीं करने हैं, जब सब यहाँ पे शो पर से चेकमार्क को हटाएंगे और यहाँ से सेव कर देंगे। चलिए हमें नहीं करना है, मैं यहाँ से सेव वाले पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आप सिंपली जाएंगे और यहाँ से इसको रिफ्रेश करके इसको आप देख सकते हैं। तो आप इसको रिफ्रेश करके देख लीजिए, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि टॉप नेविगेशन था वो यहाँ से हट चुका है, डिलीट हो चुका है, गायब हो चुका है। अब देखिए यहाँ एक ऑप्शन है टिकर, अगर आपको शो करना है या नहीं करना है तो इसके लिए भी हम यहाँ पे लेआउट में आएंगे। लेआउट में आने के बाद तो यहाँ पे आपको यहाँ देखिए स्क्रॉल डाउन के नीचे करके नीचे आइए। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको एक मिल जाता है, यहाँ न्यू स्टिकर मिल जाता है, पेंसिल वाले पे आइकन पर क्लिक करेंगे। अगर आपको ये शो नहीं करना है तो सिंपली इसको आप अनचेक कर देंगे। स्टिकर में क्या होता है, जो लेटेस्ट आर्टिकल पोस्ट होती है वो यहाँ पे चलती रहती है, जैसे आप फिल्म वगैरह में देखते होंगे होइएगा यहाँ पर चलती रहती है, उसी तरीके स्टिकर में यहाँ पर चलती रहती है। अगर आपको नहीं रखनी है तो सिंपली उसी तरीके से आप न्यू स्टिकर पर जाएंगे, यहाँ पे इसको अनचेक करके यहाँ पे इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद सिंपली ये आपका सेव हो जाएगा। आप यहाँ पर जाएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे, यहाँ से देखिएगा ये स्टिकर है, ये आपको यहाँ से गायब हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से स्टिकर गायब हो चुका है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये है लोगो, ये लोगो हमें चेंज करना है, तो इसी के लिए हम यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर हेडर लोगो का ऑप्शन है, सिंपली यहाँ पर हेडर लोगो का ऑप्शन है, सिंपली हम यहाँ हेडर लोगो पर ओके करेंगे। तो अगर आपको ये शो नहीं करना है तो सिंपली यहाँ पे आप इसको अनचेक करेंगे, यहाँ से इसको सेव कर देंगे, ये हट जाएगा। अगर हमें शो करना है तो यहाँ ब्लॉग का टाइटल डालेंगे, यहाँ डिस्क्रिप्शन डालेंगे, इसके बाद यहाँ सेव कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे हेलो लोगो जैसे हमें यहाँ चेंज करना है, सिंपली यहाँ रिमूव आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ देख रही फ्रॉम कंप्यूटर, यहाँ से अपना जो भी लोगो है चूज करके ले आएंगे। इसे देखिए हमें ये लोगो लेना है, सिंपली लोगो को यहाँ सेलेक्ट करके यहाँ पे ओपन कर देंगे और मेरा यहाँ पे लोगो आ जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे लोगो सेलेक्ट कर लिया हूँ। इसके बाद सिंपली मैं यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ, ये मेरा लोगो सेव हो जाएगा। इसके बाद सिंपली यहाँ पे जाएंगे, यहाँ जाने के बाद यहाँ से हम इसको रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पे देखिएगा कि मेरा लोगो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आपका लोगो आ जाएगा, अभी गायब है क्योंकि नेट पे डिपेंड कुछ वक्त लगता है, तो यहाँ पे आपका लोगो आ जाएगा। अब यहाँ पे मेन्यू, तो मेन्यू को भी हमको कुछ को यहाँ पे करेक्शन करना है। अब इसी के लिए भी हम यहाँ पे ब्लॉग में जाएंगे, यहाँ पर देखिए कि मेन मेन्यू का ऑप्शन दिया गया है, इसके लिए हम इस पर जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ मेन मेन्यू का पूरा मिल जाता है, यहाँ पर देख रहे हैं कि जिसको भी आप करेक्शन करना है, हटाना है और जिसको भी रखना है वो आपको यहाँ से मिल जाता है। अगर पूरे को हटाना है तो सिंपली यहाँ चेक मार्क पर हटा देंगे, यहाँ सेव कर देंगे, वहाँ से पूरे के पूरे आपको वहाँ से गायब हो जाएगा। अब मैं सबको यहाँ से पहले डिलीट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे सभी को डिलीट कर दिया हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ डालेंगे होम, अब होम का यूआरएल कहाँ होना चाहिए वो हम अपने ब्लॉग को कॉपी करके यहाँ डाल देंगे। सिंपली चलिए मैं यहाँ अपने ब्लॉग का कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने का जो भी मेरे ब्लॉग का है मैं यहाँ से कॉपी करके सिंपली मैं वहाँ पर डाल देता हूँ। मैं अपने ब्लॉग का यहाँ पर यूआरएल यहाँ पर डाल देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद आप सिंपली आपको यहाँ पर सेव कर देना है। तो सेव करने से पहले से यहाँ पे ऐड लिंक पर क्लिक करेंगे, देखिए मेरा यहाँ पे होम आ गया है। इसके बाद यहाँ पे आने के बाद चलिए अब मैं यहाँ पे सेव करूँगा। सेव करने के बाद इसके बाद आपको वहाँ पे रिफ्रेश कर देना, जैसे मैं यहाँ पे देखिए मैं इसको अभी रिफ्रेश कर देता हूँ। अब देखिए कि यहाँ पूरे जो हेडर था वो गायब हो चुका है, मेरा यहाँ पे सिर्फ होम आ चुका है। तो अब जो भी मेरे इस होम पे क्लिक करेगा वो मेरे डायरेक्ट होम पेज पे वहाँ पे पहुँच जाएगा।
अब यहाँ पे हमें कॉन्टैक्ट से अबाउट ऑर्डर जो भी पोस्ट भी हमें रखना है यहाँ पे, वहाँ से जाके हम यहाँ पे वहाँ पे टाइपिंग करेंगे और इसी तरीके से सेव करके यहाँ पे रख लेंगे। तो इसके लिए आप वहीं जाएंगे जहाँ पे लिंक्स दी गई है, तो अब लिंक पे जाके उसी तरीके से आप यहाँ पे आप जितना भी है उसको करेक्शन करके अबाउट अस यहाँ से जाके उसको आप एडिट करके यहाँ से रख सकते हैं। दूसरा लिंक डालने के लिए मैं डाल देता हूँ यहाँ पे अबाउट अस, तो आप उसमें अपना यहाँ पे लिंक डालेंगे, एड लिंक पे क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए यहाँ अबाउट अस का शो कर दिया है। इसी तरीके से आप जो भी यहाँ पे डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ मैं डालूंगा कॉन्टैक्ट अस, लिंक डालेंगे, यहाँ एड लिंक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे शो हो जाएगा। इसके बाद सिंपली यहाँ पे जो भी डाल के यहाँ पे सेव करना है सेव करेंगे, इसके बाद जाके रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे आपका शो कर देगा। तो यहाँ पे देखिए मैं अब होम अबाउट अस कॉन्टैक्ट अस जो भी डाला यहाँ पे शो कर दिया। तो किसी भी कॉन्टैक्ट अस और अबाउट अस का लिंक डालने के लिए यहाँ पे आप देखें पेजेस पे जाएंगे, पेजेस पे जाने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है कॉन्टैक्ट अस का, और जो भी बनाया रहेंगे उसको आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ से अपने कॉन्टैक्ट अस का यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ व्यू का ऑप्शन है, यहाँ व्यू पे ओके करेंगे, यहाँ पे आपका जो कॉन्टैक्ट अस का है उसका यहाँ पे लिंक से कॉपी करके वहाँ पर जाके इसको आप पेस्ट कर देंगे, तो आपका जो है कॉन्टैक्ट अस उसी तरीके से आपका यहाँ पे अबाउट अस का यहाँ पे लिंक इस पे लिंक वाला है अबाउट अस का, इसी तरह यहाँ पे लिंक है कॉन्टैक्ट अस का, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट अस का लिंक कॉपी करके सिंपली वहाँ पर उसको पेस्ट कर देंगे, तो वो आपको वहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। इसी तरीके से जिसको भी आपको ऊपर नीचे रखना है यहाँ से जाके इसको ऊपर नीचे इसको बहुत ही आसानी से ऊपर नीचे इसको कर सकते हैं। इसी तरीके से जो तीर का निशान है उस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ से सेव करेंगे, तो आपका वहाँ पे जो है आइकन वहाँ पे सेव हो जाएगा। इसके बाद सिंपली यहाँ पर देखने के लिए इसको रिफ्रेश करेंगे, ये देखिएगा ये आपका यहाँ पे चेंजिंग जो हो गया रहेगा। यहाँ पे देखिए मैं चेंज कर दिया हूँ, यहाँ पे यहाँ होम था और यहाँ पे होम आ चुका है। इसी तरीके से हमें मेन्यू में कोई आर्टिकल एड करना है, तो इसी तरीके से हम जाएंगे मेन्यू में जाने के बाद, इसी तरीके से हम यहाँ पे लेआउट में आने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि मेन मेन्यू पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब मैं यहाँ पे जो भी मेन्यू का नाम डालना है यहाँ पर डाल दीजिए, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ स्टार्टअप। तो अभी मैं यहाँ डाल दिया स्टार्टअप, यहाँ पे मैं लिंक डाल देता हूँ, लिंक डालने के बाद सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आप जिसका भी लिंक डालना चाहते हैं उसको अपना लिंक यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिंक डालना चाहता हूँ, इसे मैं यहाँ पे इसका लिंक डाल देता हूँ स्टार्टअप का, इस पर मैं क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद ये लिंक मेरा आ चुका है। मैं इस पर सिंपली यहाँ से इसको कॉपी करने के बाद सिंपली मैं वहाँ से जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आने के बाद सिंपली मैं यहाँ पोस्ट कर दिया, एड लिंक पे क्लिक करूँगा, ये मेरा स्टार्टअप आ चुका है। सिंपली इस तरीके से मैं इसको सेव कर दूँगा। तो इसी तरीके से सिंपली आप यहाँ पे होम पे जाएंगे, यहाँ से रिफ्रेश कर देंगे और यहाँ पे आपका शो कर देगा स्टार्टअप। तो इसी तरीके से यहाँ पे आप बहुत ही आसानी से यहाँ देख लीजिए आ चुका है स्टार्टअप। तो चलिए मैं इसको करेक्शन कर लेता हूँ, होम को मैं पहले ले आता हूँ, तो इसके लिए फिर हम इसी पे जाएंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे होम का मेन मेन्यू का ऑप्शन आ जाता है, अब मेन मेन्यू पे ओके यहाँ पे जाएंगे। मेन मेन्यू पे जाने के बाद आपको इसी तरीके से कुछ लिंक आ जाते हैं। अब मैं यहाँ होम को ऊपर कर लेता हूँ, जो इसके बाद मैं स्टार्टअप का मैं नीचे कर लेता हूँ। तो स्टार्टअप को मैं यहाँ पे नीचे कर लेता हूँ, नीचे करने के बाद सिंपली मैं यहाँ देखिए स्टार्टअप नीचे आ चुका है। तीर पे क्लिक करते हुए अब मैं इसको अब सेव कर दूंगा, सेव करने के बाद मैं फिर उसी पे जाऊँगा, यहाँ से जाने के बाद मैं रिफ्रेश करूँगा। अब देखिए कि मेरा स्टार्टअप यहाँ साइड में आ चुका होगा, यहाँ पर देखिए स्टार्टअप यहाँ साइड में आ चुका है। अब मैं यहाँ स्टार्टअप पर क्लिक करूँगा तो मैं उसी आर्टिकल पर पहुँच जाऊँगा जिसका मैं लिंक दिया है। ओके, तो यहाँ तक आपने समझ गया है, चलिए मैं बैक आ जाता हूँ। चलिए अब सब कुछ सेटअप हो चुका है, अब यहाँ पर राइट साइड में आएंगे, राइट साइड में आने के बाद यहाँ पे हमको कुछ चेंजेस करना है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे जो विजिट है इसमें हमको क्या चाहिए या नहीं चाहिए वो हम वहीं से जाके इसको भी हम यहाँ से डिलीट करके उड़ाएंगे, हटाएंगे। इसी तरीके से हम जाएंगे यहाँ पे, यहाँ पर देखिए कि आप लिख रखा है मेन पोस्ट पे यहाँ पे आपको शो कर देगा कि अब यहाँ पे आप क्या रखना है मेन पोस्ट पे और क्या नहीं रखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको क्या रखना है नहीं रखना है, वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए होम पेज है, होम पेज पे आप कितनी पोस्ट शो करनी है या नहीं करनी है वो आप यहीं से जाके इसको डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 13 है, यहाँ पर 10, 15 जो चाहे वहाँ पे हम डाल सकते हैं। नीचे यहाँ पे नेम का ऑप्शन है, यहाँ पे आप डाल सकते हैं किसके द्वारा ये पोस्ट सेव किया गया है, तो आप यहाँ पे नेम भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसको हम टिक ही रखेंगे, यहाँ पे कमेंट, रीडर पोस्ट, टैग जो भी यहाँ पे है सभी ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है। अगर जिसको भी रखना है नहीं रखना है यहाँ टिक मार के हटा देंगे, वो वहाँ से हट जाएगा। तो यहाँ काफ़ी सारे जो है टेम्पलेट दिए गए हैं जो किसी भी पोस्ट के नीचे शो होता है, तो आप चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ से जाके इसको सेव कर देना है।
जो कि आप यहाँ देख सकते हैं राइट साइड बार के लिए आप यहाँ जाएंगे और यहाँ आप देख सकते हैं, तो वो आपको यहाँ से राइट साइड बार में आप यहाँ से चेंजिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सर्च दिस ब्लॉग, मतलब आपके अपने वेबसाइट में एक सर्च बटन रखना है तो आप यहाँ से उसको सर्च ब्लॉग में यहाँ से आप इसको रख सकते हैं, जिससे आपके ब्लॉग में कोई भी पोस्ट आपको सर्च कर पाएगा। तो आप रखना है तो रख सकते हैं, इसको हटा सकते हैं। अगर नहीं रखना है तो इसी तरीके से आपको यहाँ से जाएंगे यहाँ सर्च दिस ब्लॉग में, यहाँ से आपको अगर नहीं रखना है तो सिंपली उस पर टिक मार्क है, यहाँ टिक मार्क हटा देंगे, सेव कर देंगे, वो हट जाएगा। हमें रखना है इसके लिए टिक मार्क रहने देंगे, यहाँ से सेव कर देंगे, वो वहाँ पर रहेगा ही। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका ऑप्शन बहुत सारा यहाँ पर मिल जाता है, जिसको भी रखना है नहीं रखना है यहाँ से आप इसको करेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि लिख रखा है ब्लॉग एंड कैप्स, अगर यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो हमको नहीं रखना है तो सिंपली मैं इसको यहाँ से डिलीट करके यहाँ से मैं इसको हटा दूंगा। इसके लिए इस पर क्लिक करेंगे पेंसिल वाला आइकन पे, इसके लिए मैं यहाँ पे अनचेक करूँगा, अनचेक करके सेव कर दूँगा, वहाँ पर से वो हट जाएगा। तो यहाँ से इसको रिफ्रेश कर लीजिए, रिफ्रेश करने के बाद वो आप यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर से ये गायब हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से ब्लॉग और कैप्स यहाँ से हाइड हो चुके हैं। इसमें ये शो होता है कि कौन महीने में हम कितनी पोस्ट शो किए हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं एक्टिवेशन, मतलब मेरे ब्लॉग पे यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉपीराइट का आइकन, साथ ही कॉपीराइट का आइकन दिया गया है पावर्ड बाय ब्लॉकर। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो इसी तरीके से यहाँ पे जाएंगे, यहाँ जो पेंसिल वाला आइकन में क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो है वहाँ चेक मार्क को हटा देंगे और सेव कर देंगे, वो ऑलरेडी यहाँ से आपका ये कॉपीराइट का जो आइकन है वो हट जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे अपना कॉपीराइट का कुछ भी डाल सकते, जैसे मैं डाल देता हूँ इंजीनियर राजा, इसको चलिए मैं सिंपली यहाँ से सेव कर देता हूँ। तो यहाँ से चलिए मैं आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर देखिए कि आपका इंजीनियर राजा इसके नीचे आपको ब्लॉगर के नीचे आपको यहाँ शो कर देगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि इंजीनियर राजा शो कर दिया है। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो सिंपली इसी पे जाएंगे, यहाँ पे हम आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है रिमूव वाले ऑप्शन आ जाएगा, रिमूव वाले ऑप्शन पर हम रिमूव करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद ये आपका रिमूव हो जाएगा। रिमूव होने के बाद ये आपका यहाँ रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करने के बाद वो जो आपका यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये हाइड हो चुका है, मतलब ये डिलीट हो चुका है। इसी तरीके से आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है, रिपोर्ट अब्यूज है, इसी तरीके से यहाँ पेज है अबाउट मी फर्दर पोस्ट है, इसी तरीके से अपना फीचर पेज भी एडिट कर सकते हैं कि अपना फीचर पेज में क्या रखना चाहते हैं, क्या रखना नहीं चाहते हैं, वो आप यहाँ से इसको एडिट कर सकते हैं, वो सभी आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको राइट साइड में यहाँ सोशल प्लगिंग है, इसमें आप देख लीजिएगा आपको क्या सब रखना है क्या सब नहीं रखना है, तो उसको भी आप वहीं से जाके इसमें करेक्शन करके डिलीट करके हटा सकते हैं। तो आपको यहाँ पे देखिए फेसबुक, ट्विटर, पिंटरेस्ट, यूट्यूब जो भी रखना है आपको उसी तरीके से यहाँ पर जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, यहाँ पर देख रहे हैं कि सोशल विजेट है, इस पर जाके आप इसको करेक्शन कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे सोशल मीडिया पे क्लिक करता हूँ। सोशल मीडिया पे क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन यहाँ पे आपका ओपन आ जाता है। अब यहाँ पे जो भी टाइटल देना है यहाँ टाइटल दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ फॉलोअर्स या फॉलोअर्स मी डाल सकते हैं, जिसे आप मुझे फॉलो कीजिए। अब यहाँ पे आपको काफ़ी सारे लिंक दिए गए हैं, जो आपको नहीं चाहिए वो आपको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, जैसे हमें RSS नहीं चाहिए इसको डिलीट करेंगे, यहाँ पे भी हमको VK नहीं चाहिए डिलीट करेंगे, यहाँ ट्विटर चाहिए, पिंटरेस्ट नहीं चाहिए, यहाँ RSS नहीं चाहिए, यहाँ आपको फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब चाहिए, इसके बाद सिंपली जो भी चाहिए इसको आपको यहाँ पर रहने देना है। तो जस्ट आपको यहाँ पर एडिट पर क्लिक करके उसका URL डाल देंगे और यहाँ से सेव कर देंगे, जैसे ही सेव हो जाएगा उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको वहाँ पे शो होगा। चलिए यहाँ पे देखिए मैं जिसको हटाया हूँ वो सब यहाँ से गायब हो जाएंगे, जिसको मैं रहने दिया हूँ जो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, वो यहाँ पे मैं सबको डिलीट कर दिया, मैं 4 छोड़ा हूँ तो यहाँ पे 4 बच गया है। तो मैंने यहाँ पे 4 सेव किया है, 4 है, और इस पर क्लिक करके डायरेक्ट मेरे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर जा सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब पे क्लिक करके डायरेक्ट मेरे जूम चैनल पे पहुंच जाएगा। अब यहाँ पे है आपका स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएगा, यहाँ पे है एड स्पेस, जैसे आप गूगल एडसेंस से अप्रूव ले लेंगे तो आप यहां पे ऐड शो कर सकते हैं। तो ये आपको यहां पे जाइएगा और यहां पे आपको नीचे यहां पे आपको मिल जाता है ऐड स्पेस, यहां पे देख लीजिए यहां पे आपको मिल जाता है, यहां पे आपको मिल जाता है हाइड स्पेस। अभी हमें इसको हाइड ही रखनी है, अगर इसको हमको हाइड रखना है तो सिंपली इस पर क्लिक कर देने के बाद सिंपली हम जाएंगे वहाँ से चेक मार्क कर देंगे और यहाँ में मेरा हाइड ही वहाँ पर हो जाएगा, हाइड होने से सेव हो गया है। यहाँ पे जाएंगे इसको रिफ्रेश करेंगे, देखिएगा यहाँ से मेरा जो है यहाँ पे हाइड हो चुका है, देखिए यह मेरा यहाँ पे हाइड हो चुका है। लेकिन जैसे आपको गूगल एडसन की तरफ से कोड मिल जाता है तो आपको यहाँ पे कोड डालना होगा, तो आप यहाँ पे गूगल एडसन की तरफ से कोड मिला हुआ यहाँ पर कोड डालेंगे, इसके बाद सिंपली यहाँ पे सेव कर देंगे, यह आपका सेव हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे सब्सक्राइब अस ये भी आपको यहीं पर मिल जाएगा,
यहाँ पर देखिए यहाँ सब्सक्राइबर्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे आपको सब्सक्राइबर्स वहाँ रखना है या नहीं रखना है, उसी तरीके से यहाँ पे आप इसको अनचेक करके सेव करके रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ इसका आपको बाय फॉलो यहाँ पे आपको मिल जाता है, फॉलो बाय ईमेल इसको भी आप यहाँ रख सकते हैं। इसके बाद लेबल्स है, इसको भी आप हाइड एंड हाइड कर सकते हैं। तो सब कुछ आपके हाथ में है, जैसे आप चाहे वैसे आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लेबल्स होंगे, मतलब किस पब्लिश के अंदर कितने पोस्ट शो की है वो आपको यहाँ पे शो होता रहेगा। जैसे कि मैंने एक पब्लिश की है तो वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ तक हमने अपने पूरे होम पेज को यहाँ तक मैंने डिजाइन कर दिया है। इसके बाद हम अब नीचे आएंगे हम फुटर में। फुटर में आने के बाद यहाँ पे आपको ढेर सारा यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। इसी तरह हम यहाँ पे आएंगे लेआउट में और यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको ढेर सारा यहाँ पे आपको मेन फुटर मिल जाता है, लेफ्ट साइड वाला सेंटर सेंटर और राइट से सिलेक्शन राइट साइड, तो जो भी इसमें से करेक्शन करना है यहाँ पे फुटर में, तो सिंपली आप क्लिक करेंगे फुटर में जाके इसको आप करेक्शन कर सकते हैं। तो आप फुटर में जो भी नहीं चाहिए वो आपको यहाँ से आप करेक्शन कर दे रहे हैं, जो भी चाहिए उसको रहने देना। चलिए मैं यहीं पर रहने देता हूँ, उसको सेव कर देता हूँ। अब मेरा आर्टिकल बहुत ही अच्छी तरीके से सेटअप आग हो गया है। अब आपको यूनिक आर्टिकल डालते रहना, जिससे आपका जो ये ब्लॉग है बहुत ही प्रोफेशनल तरीका से लगता रहेगा। जैसे ही आपके आर्टिकल पे 20-25 जो यूनिक आर्टिकल आप पोस्ट कर देते हैं अपने ब्लॉग पे, तो जिसे 20-25 पोस्ट कर देते हैं तो इसी तरीके से यहाँ पर आएंगे अर्निंग पे आने के बाद यहाँ गूगल एडसन की तरफ से यहाँ पर आप अप्रूव लेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्रिएट एन एडसन, इस पर अकाउंट पर क्लिक करके अपना अकाउंट इसमें जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर अपने अकाउंट को गूगल एडसन के लिए यहाँ से आप सबमिट करेंगे। यहाँ पर देख रहे ऑप्शन है, इसको टर्म एंड कंडीशन को भरेंगे यहाँ से और बहुत ही आसानी से अपने जो अकाउंट है इसके लिए सबमिट कर देंगे। जैसे आपको अप्रूवल मिल जाएगा तो आप एड्स अपने जो ब्लॉगर है उस पर लगा सकते हैं। तो आप अलग अलग जगह पे अपना एड्स लगा सकते हैं, जब भी ब्लॉगर आएगा उसको रीड करेगा लाइक सब्सक्राइब करेगा, उस हिसाब से आपको अर्निंग होता रहेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट इस पर जाएंगे, यहाँ पर जो पोस्ट है पोस्ट पर यहाँ जाने के बाद यहाँ न्यू पोस्ट है, न्यू पोस्ट पर क्लिक करेंगे। न्यू पोस्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने बॉक्स आ जाएगा, यहाँ पर अपना टाइटल देंगे, जो भी टाइटल लिखना है लिख के यहाँ सिंपली पब्लिश पर ओके कर देंगे। पब्लिश पर ओके करते कन्फर्म करेंगे आपका ये जो आर्टिकल लिखे हुए वो पब्लिश हो जाएगा। टाइटल आप देख सकते हैं कि मैं दिखा देता हूँ टाइटल कौन सा होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये होता है टाइटल, ये टोटल टाइटल को आप यहाँ से भी कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं और इसी तरीके से इसको पब्लिश भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरीके से इसको पेस्ट कर सकते हैं या कुछ भी यहाँ पे आप टाइपिंग कर सकते हैं। इसी तरीके से जो भी लिखेंगे यहाँ लिख देने, ये पूरा आपका पोस्ट यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद जो भी लेवल वगैरह है यहाँ पर आप इसको सेट कर लेंगे, पब्लिश वगैरह को सेट कर लेंगे, ऑटोमेटिक और डेट वगैरह सेट कर लेंगे, रैंडम लिंक सेट कर लेंगे, लोकेशन वगैरह जो भी है यहाँ पर सेट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन वगैरह है जो भी यहाँ पर ऑप्शन वगैरह सेट कर लेंगे, सिंपली यहाँ पोस्ट वाले पर अपलोड वाले पर ओके करेंगे, ये जो आपका चेंजिंग है वो आपको पोस्ट यहाँ पर हो जाएगा। तो मैं आपको बहुत ही यहाँ से प्रव्यू भी आप इसको देख सकते हैं, यहाँ प्रव्यू पर ओके करके अपना जो भी प्रव्यू है उसका प्रव्यू भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए कि आपका जो प्रव्यू हो कुछ इस तरीके से यहाँ पे शो होगा। इसी तरीके से यहाँ टाइटल लिखेंगे, जो भी आपको पोस्ट लिखना है इस पर आपको लिख देना है या कॉपी करके डालना है अपने कहीं भी लिखा हुआ है। तो देखिए मैं यहाँ पे कुछ लिख टाइपिंग कर दिया हूँ, मैं लिखा हुआ तो यहाँ पोस्ट कर दिया हूँ। अब यहाँ पे जो भी लेवल वगैरह है लेवल वगैरह का यहाँ से आपको सेट कर लेना है, जो भी करना होगा मार्क वगैरह करना है, लोकेशन वगैरह डालना है, जो भी यहाँ लोकेशन है वो सब अगर डालना है डाल देना है। इसके बाद यहाँ पब्लिश करना है, कमेंट के लिए अलाउ करना है या नहीं वो डाल देना है। डालने के लिए यहाँ पब्लिश वाले पर ओके करेंगे, कन्फर्म करेंगे, जो भी ये आर्टिकल है वो आपका पब्लिश हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये आर्टिकल पब्लिश हो चुका है, अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद सिंपली आएंगे अपनी वेबसाइट पे आने के बाद होम पे जाएंगे, होम पे जाने के बाद यहाँ पे जो भी पोस्ट आप किए रहेंगे वह देखिए आपका पोस्ट यहाँ पे आ चुका है, इस पर क्लिक करके अपना पोस्ट को यहाँ से पढ़ सकते हैं। यहाँ से आने के बाद देखिए आपका पब्लिश हो चुका है और यहाँ से आप इसको आप रीड कर सकते हैं। इसी तरीके से जितने भी पोस्ट होंगे वो आपको यहाँ पे शो होते रहेंगे और जितने भी डालते रहेंगे उसके लिए यहाँ पे नीचे शो होता रहेगा। यहाँ पे पॉपुलर पोस्ट भी आपके शो होते रहेंगे और यहाँ सब्सक्राइबर में वो यहाँ पे ऐड होता रहेगा और जितने भी पोस्ट डालेंगे ये यहाँ पे शो होता रहेगा। तो आप जितने भी डालते रहेंगे इसके नीचे आपका ये शो होता रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पर 2 डाला हुआ, यहाँ पर 2 शो हो चुका है, मैं पिक नहीं डाला हूँ नहीं शो हुआ, पिक डालूंगा पिक भी यहाँ पे शो हो जाएगा। इसी तरीके से जितने भी डालते रहेंगे इसके नीचे आपका शो होता रहेगा। तो जो भी मेरे यहाँ पे आर्टिकल पे क्लिक करेगा, क्लिक करते ही मेरा जो आर्टिकल लिखे हैं वो उसके सामने यहाँ पे पूरा शो हो जाएगा।
इसके बाद यहाँ पे जाके वो इसको रीड करके यहाँ से जाके यहाँ कमेंट भी ये कर सकता है। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गुड, जैसे मैं गुड लिख के इंटर करूँगा तो ये जो कमेंट है यहाँ पे देखिए सैनड का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके वो इसको कमेंट को कर सकता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ से बहुत ही आसानी से वो जो है जो भी वहाँ से कमेंट कर सकता है। इसको यहाँ से बहुत ही आसानी से जिसको भी चाहे वो उसको यहाँ से शेयर भी कर सकता है, जैसे यहाँ पे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, जिसको भी जहाँ चाहे यहाँ से उसको शेयर भी कर सकता है। जैसे किसी को शेयर करेगा फेसबुक पर क्लिक करेगा, क्लिक कर यहाँ पे आर्टिकल डालेगा, आर्टिकल डालने के बाद यहाँ पोस्ट टू फेसबुक पर क्लिक कर देगा तो ये फेसबुक पे पब्लिश हो जाएगा। सो इस तरीके से एक भी पैसा खर्च किए बिना बिल्कुल फ्री में अपना एक ब्लॉगर अकाउंट बना सकते हैं और इस पर बहुत ही आसानी से अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जैसे कस्टम डोमेन कैसे यूज किया जाता है, नीचे जो कॉपीराइट लिखा हुआ होता है यहाँ पे इसको आप कैसे चेंज करेंगे, एडसेंस के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, एड्स कैसे लगाएंगे, ये छोटे छोटे टॉपिक पे अलग अलग वीडियो आती रहेंगी। तो मेन टॉपिक यही था कि ब्लॉग स्टार्ट कैसे करेंगे, जो कि मैं आपको काफ़ी डिटेल्स में समझा दिया है। अगर इसके अलावा कुछ समझ में नहीं आती है तो कमेंट में डिमांड कर सकते हैं, तो इस पे मैं वीडियो बनाऊँ, जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे मैं उस पर वीडियो बनाता रहूँगा। तो जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे एक चीज़ पे मैं उस पर वीडियो बनाता रहूँगा। सो गाइस, आपने जाना कि किस तरीके से ब्लॉगर पे आप अपना ब्लॉग बना के उस पर आप अच्छे अच्छे आर्टिकल अपलोड करके किस तरीके से आप उससे अच्छे खासे अर्निंग कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में जाके कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।